अभी देखो अचानक सडनली क्या हो चुका है अभी। सो हे गाइज, वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग। सो आरबी ब्लगमा सबैजनालाई स्वागत छ। आज नेपालीमा स्टार्टिङ गरेँ होइन, म चाहिँ जस्ट यता पुलतिर छु, मतलब त जस्ट आएको छु म। अहिले चाहिँ राइडको लागि निस्किरहेको छु, जस्ट मेरो बाइकहरू यता छ। अब जस्ट आज चाहिँ फेस क्याम्पबाट स्टार्ट गरिदिउँ न भनेर होइन, जस्ट यहाँ रोकेर चाहिँ म स्टार्ट गरिरहेको छु। सो मलाई चाहिँ अलिकति ढिलो भइरहेको छ भने म चाहिँ स्टार्टिङको लागि मात्र यहाँ रोकिरहेको थिएँ, अब चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छु म। स्टार्टिङ मेरो भइसक्यो, आई होप कि मन परिराख्या होला तपाईँहरूलाई। लेट्स गो गाइस। बच्चाहरू पछाडि खेलिरहेको थिएँ, सो मैले डिस्टर्ब गर्न चाहेँ कुच्चाहरूलाई। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो यो कुनालाई चाहिँ हाम्रो डेटिङ स्पोट पनि भनिन्छ। आज चाहिँ कुनै कपाल छैन, नभए डेली म आउँदा यहाँ साइडमा चाहिँ कपाल दुई जोडी बसिरहेको हुन्छ होइन, अनि लैना लडेरहेको हुन्थ्यो। आज चाहिँ छैन, यहाँ चाहिँ गाना बज्दै होला यो गाडीमा। यहाँ चाहिँ बिहान बिहानै लाइन लगाएर माछा मारिरहेको छ यार। बिहान बिहानै के को मुड भन्छ। म चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छु, मलाई चाहिँ यता जानुपर्नेछ। सो गाइस, अफिसमा छु देखे, रस्ते पर ब्लग बनाने का वो कोई कंटेंट नहीं मिला तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, डायरेक्ट मैं ऑफिस आ चुका हूँ। इधर देख सकते हैं यहाँ पे दर्शक लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, और मैं जस्ट यहाँ पर आके थोड़ा सा ब्लॉग्स लोग शूट कर लूँ, फिर अपना काम करूँ सोच रहा था। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपना ब्लॉग का शूट कर लेता हूँ, फिर जाता हूँ उधर अपना काम करने। तो अभी जस्ट आ चुका हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा मेरे को थकान महसूस हो रहा है क्योंकि जंगल के रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा उछल कूद हो रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा अलछी लग रहा है, काम करने में थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आके जस्ट मैं बैठ गया, थोड़ा सा ब्लॉग व्लॉग शूट कर लूँ, वरना फिर बाद में काम वाम करने बैठूँगा तो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो जाएगा। तो चलो शूट कर लेते हैं भाई साहब, आँख में मेरा क्या चला गया भाई। सो गाइस, अभी तो हम थोड़ा सा अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बाद में हम फिर आपको देखेंगे। रास्ते का शूट वूट रिकॉर्ड करके कुछ होगा, अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी तो हम चाह रहे हैं अपने काम करने, तो अभी रहो। सो गाइस, ऑफिस हम आ चुके हैं, रास्ते पर ब्लॉग बनाने का वो कोई कंटेंट नहीं मिला तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, डायरेक्ट मैं ऑफिस आ चुका हूँ। इधर देख सकते हैं यहाँ पे दर्शक लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, और मैं जस्ट यहाँ पर आके थोड़ा सा ब्लॉग्स लोग शूट कर लूँ, फिर अपना काम करूँ सोच रहा था। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपना ब्लॉग का शूट कर लेता हूँ, फिर जाता हूँ उधर अपना काम करने। तो अभी जस्ट आ चुका हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा मेरे को थकान महसूस हो रहा है क्योंकि जंगल के रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा उछल कूद हो रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा अलछी लग रहा है, काम करने में थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आके जस्ट मैं बैठ गया, थोड़ा सा ब्लॉग व्लॉग शूट कर लूँ, वरना फिर बाद में काम वाम करने बैठूँगा तो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो जाएगा। तो चलो शूट कर लेते हैं भाई साहब, आँख में मेरा क्या चला गया भाई। सो गाइस, अभी तो हम थोड़ा सा अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बाद में हम फिर आपको देखेंगे। रास्ते का शूट वूट रिकॉर्ड करके कुछ होगा, अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी तो हम चाह रहे हैं अपने काम करने, तो अभी रहो। जोइले पानी पर्स हो ये तर ओ
अहिले भर्खर पानी परेर अलिकति शीतल भएको छ, फेरि पानी पर्न लाग्न थालिसक्यो, पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ फेरि। पानी परेको पनि सही नै हुँदो रहेछ, काम गर्न शीतल हुँदो रहेछ। कान्छी रे कान्छी रे तिर्त मेरी शान्छी रुक जान जान तिर्त। बाइक पुराका पुरा झल्ला हुन्छ क्या भाइ साबितमा बोल रहा है, क्या बताऊ आपको। इसका पार्ट पुर्जा स्पेयर पार्ट जितना है सारा का सारा हिल चुका है। क्या है भाई ये, क्या है इधर लुक छुपो भाई साहब, अचानक से ये क्या है, अभी तक तो ठीक था। तो समझ रहे हो, देख रहे हो भाई साहब, धरान में ऐसा होता है। अभी क्या, अभी वहाँ से आ रहा था ना, उधर ठीक ही था सारे के, कुछ नहीं, एक बूंद भी पानी नहीं पड़ रहा था। अभी देखो अचानक सडनली क्या हो चुका है अभी। अरे भाई शुक्र है कि मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा छुपने की जगह मिल गई, तो मैं छुप सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन मेरा बाइक को जो, मेरा जो बाइक का सीट है सारा का सारा भीग चुका है। जहाँ हेरियो त्यहाँ पानी पर्न सुरु गर्छ यार, भोलोक भोलोक बनाउने वातावरण नै छैन यो नेपालमा, क्या हो। अहिले चाहिँ अलिअलि छुट्न लागिरहेछ, तर यस्तो पानीमा हिँड्यो भने चाहिँ भिजिन्छ। हजुर भवानी मार्ग, तपाईँ थोरै तल जानुहोस्, तल जाँदा यस्तै सेम यस्तै बाटो होला माथि जाने। यसो गर्नुहोस् तपाईँ यही बाटो जानुहोस्, यसरी भवानी मार्ग निस्किन्छ। हजुर सो भाइ अब चाहिँ निस्किनु पऱ्यो, फेरि यहाँ चाक बिजिन्छ यसले चाहिँ। ओके सोलेजु गाइज, म चाहिँ जोगाड लगाइसकेँ होइन प्लास्टिक यसरी गरेर, अब किनभने सिट भिजेको छ मेरो, बम भिज्छ भनेर होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यस्तो गरेको हो। पानी पनि सुकिसक्यो, खालि अलिकति पानी पऱ्यो त्यो पनि ठिकै भयो, अलिकति शीतल भयो अब चाहिँ खुट्टामा चाहिँ लास्ट पानीहरू उछिदिन्छ क्या, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति प्यान्टहरू फोहोर हुने गर्छ, अदरवाइज अलिक जुबेल हो मेरो। यहाँ चाहिँ, यहाँ चाहिँ थोडा सा आसानी होगा बाइक पुराने में, और पानी ऊपर पड़ने का भी डर नहीं होगा, लेकिन यहाँ भी कहाँ सोचेगा, ऐसे करके जाना पड़ता है मेरे को अभी तो। तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे साइड से, या नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि मेरे को अब निकलना है घर के तरफ। तो चलो पहले ऑफिस जाते हैं और फिर क्या होते हैं वहाँ पर देखते हैं, फिलहाल के लिए तो ऑफिस के लिए हम जा रहे हैं अभी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर वैक्सीन ले चुका था, तो वैक्सीन ले लिया, चलो अब डायरेक्ट चलते हैं घर। सो हेलो गाइस, मैं घर आ चुका हूँ अभी, जस्ट अभी आया हूँ, आया तो था आगे ही आए थे, मतलब आधे घंटे पहले ही आए थे, लेकिन मैं उधर थोड़ा सा रह गया था, मतलब कुछ काम कर रहे थे, तो जस्ट अभी घर अभी पहुंचा, तो जस्ट अभी मैं फ्रेश हूँगा, थोड़ा सा कचरा वचरा है फेस पे, तो फेस वेस धोकर थोड़ा सा फ्रेश हूँगा, और फिर इमिडिएटली मेरे को जाना पड़ेगा झुमका। एक्चुअली ये मेरा डेली का शेड्यूल है, मैं जस्ट काम करके आता हूँ, मुँह सुर धोता, मतलब फ्रेश होता हूँ, नाश्ता वास्ता करता हूँ, फिर चला जाता हूँ। आज भी मेरा वैसा ही शेड्यूल है, तो फिर आज फिर चला जाऊँगा। तो चलो भाई लोग, अभी मैं जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर यहाँ से थोड़ा सा कपड़े वपड़े लगा कर, मतलब पैंट वैंट लगा कर निकलते हैं। सो लेट्स गो गाइस, आई एम रेडी टू गो झुमका फॉर अ मेकिंग सम ब्लॉग्स एंड माय पर्सनल वॉक्स। सो लेट्स गो गाइस, म चाहिँ निस्किसकेका छु, थोड़ै हात धुनु पर्यो, कपालमा ओइली ओइली ओइली, मतलब तेल लगाएर हातमा चाहिँ ओइली ओइली भइरहेछ। सो जस्ट म आएँ, सो लेट्स गो। म चाहिँ निस्किसकेँ, अलिकति मौसम चाहिँ अँध्यारो अँध्यारो गरिरहेछ, आई होप कि पानी नपरोस्, पानी परेन भने ठिकै छ, पानी पऱ्यो भने बिजोक हुन्छ।
सो चलो चलते लेट्स गो। चलो भाई एक बड़ा समस्या ये है कि मेरे को बाइक रोज़ ही बनाना पड़ता है, जितना इनकम नहीं उससे ज़्यादा बाइक ने लूट लिया है हमको। तो चलो लूटने दो, कितना लूटेगा भाई। तो गाइस मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार में हूँ कि मेरा लाइफ में भी थोड़ा सा ट्विस्ट हो, कुछ स्पेशल हो कुछ। अभी तो मेरे को खुद को मालूम नहीं कि कौन सा कैसा ट्विस्ट होगा, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा ट्विस्ट हो और मज़ा आए, क्या लाइफ जीने में भी मज़ा आए। अभी तो साला जो है वो है, जैसी चल रहा है वैसी छोड़ दिया हूँ लाइफ को। अभी ना कोई सेटलमेंट है, ना कोई लाइफ में इंजॉयमेंट है, बस ऐसे ही चल रहा है भाई, चल रहा है चलते जा रहा है। और मैं उस दिन के इंतज़ार में हूँ कि मेरे लाइफ में थोड़ा सा कोई ट्विस्ट हो। थ्री इडियट का एक डायलॉग है ना, बस एक बार दिला दे। फिर उतर चुका है भाई, फिर ऐसा ही हाल हो गया है भाई, मेरी तो लगी पड़ी है अभी, मेरी तो लगी पड़ी है भाई। यो बाइक ले हद से ज़्यादा दुख देगा सर यार, लास्ट दुख देखो छा।